राधे राधे। हनुमान जी की 10 सिद्ध और चमत्कारी मंदिर। दोस्तों, हनुमान जी अमर है, वो आज भी इस धरती पर विराजमान है। हनुमान जी श्री राम के आदेश अनुसार इस धरती पर एक कल्प तक रहेंगे। एक कल्प में कई चक्र होते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्र में लाखों करोड़ों मंदिर है। हर गांव, हर शहर, मोहल्ले हनुमान जी के मंदिर दिखाई देंगे तथा हनुमान जी के अनंत भक्त है। लाखों करोड़ों मंदिर में से 10 मंदिर का चयन हमारे बस में नहीं है, फिर भी जहां भक्तों की कतारें लगे रहते हैं और आस्था भरी, ऐसे हनुमान जी की मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाए हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक देखें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके और आपके साथ साथ मुझे भी हनुमान जी की कृपा का प्राप्त हो सके। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी भक्तजन इस वीडियो को देख सके और वो भी हनुमान जी की कृपा के पात्र बने। नंबर 1, बालाजी हनुमान मंदिर, मेदिनीपुर, राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेदिनीपुर नामक स्थान है, जहां पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। उसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। उनके चरणों की छोटी सी कुंडी, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। वहाँ के हनुमान जी का विक्र काफ़ी शक्तिशाली एवं चमत्कारी माना जाता है तथा उसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। नंबर 2, जगन्नाथ का मंदिर। जगन्नाथपुरी में ही समुद्र तट पर बैठे हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहावत है कि महाप्रभु जगन्नाथ में वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब भी हनुमान जी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुमित्रा को दर्शन का लोभ स्मरण नहीं कर पाते थे। सोमपति समुद्र ही उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता। केसरी नंदन की इस आदत से परेशान हो जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान को यो स्वर्ण बेड़ी से आबंध कर दिया था। श्री पंचमुखी आंजनेय स्वामी जी तमिलनाडु के कुमकोरम नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेय स्वामी जी श्री हनुमान जी का बहुत ही मनभावक मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुख रूप में विकृत स्थापित है, जो अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ पर चलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उनके भाई महिरावण ने श्री राम जी को लक्ष्मण सहित अगवा कर लिया था, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप का धारण उसी स्थान से अपनी खोज का प्रारंभ की थी और फिर उसी रूप में उन्होंने उन अहिरावण और महिरावण का वध किया था। वहाँ पर हनुमान जी के पंचमुख रूप के दर्शन करने से मनुष्य सारे दुखों, संकटों एवं बाधाओं से मुक्त हो जाता है। बाद में हनुमान जी गुजरात के समुद्र तट पर स्थित बेट द्वारका में पाताल लोक गए थे। वही बेट द्वारका में 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु जब दोनों मूर्तियाँ एक ही ऊँची हो गई है। अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा गया था। तब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र था। नंबर 4, हनुमानगढ़ी। अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियों होती है। यहाँ पर स्थित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से शोभित रहती है। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के पीछे एक कहानी है। सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फरीजाबाद का प्रशासक था। तब एक बार सुल्तान का एकमात्र पुत्र बीमार पड़ा। वैद्य और डॉक्टर ने जब हाथ टेक दिए, तब सुल्तान ने थक हार कर अंजनियों के चरणों में अपना माथा रख दिया। लेकिन मुसलमान होने के नाते किसी मूर्ति के समक्ष झुकने से उनकी गिलानी हो रही थी, लेकिन मन में शुद्धा थी और उसने सोचा कि खुदा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं। उसने हनुमान से विनती की और तभी चमत्कार हुआ कि उनका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो गया। उनकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गई। तब सुल्तान ने खुद होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्ति रूप दिया। हनुमानगढ़ और इमलीबन में माध्यम से उसने इन जीर्ण स्वर्ण मंदिर का विराट रूप दिया और 52 बीघा भूमि हनुमान जी गढ़ी और इमलीबन के लिए उपलब्ध कराई। संत अभयाराम दास के सहयोग और निर्देशक में यह विशाल निर्माण संपन्न हुआ। संत अभयदास निर्वाणी आखड़ा के शिष्य थे
और वहां उन्होंने अपने संप्रदाय का आखरा भी स्थापित किया था। नंबर 5 बालाजी हनुमान मंदिर सलासार राजस्थान, ये तो आप जानते ही होंगे। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के रिछू जिले के गांव सलासार में स्थित है, जिन्होंने सलासार के बालाजी हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की सलासार बालाजी हनुमान नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी एवं मूछों से सुशोभित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। इस मंदिर के संपादक श्री मोहनदास जी की बचपन से हनुमान जी के प्रति आराध्य श्रद्धा रखते थे। माना जाता है हनुमान जी की यह प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते समय मिली थी, जिसे सलासार में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। नंबर 6 संकट मोचन हनुमान मंदिर भूत भवन आशुतोष की पावन नगरी बनारस में उपस्थित है। संकट मोचन हनुमान मंदिर इस पावन नगरी में जिस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास को आंजनी सूत के दर्शन दिए, वही स्थान आज संकट मोचन के नाम से सुविख्यात है। जिस मुद्रा में गोस्वामी जी को दर्शन हुई उसी की प्रकृति है यहाँ का विग्रह। श्रव तुलसीदास ने यह मूर्ति स्थापित कराई थी। इस मंदिर के प्रांगण में हनुमान विग्रह के सामने श्री राम माता सीता जानकी के साथ विराजित है। काशी से ही जिस गुफानुमा कोठरी में गोस्वामी ने साधनारत अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहाँ की गुफा के हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। नंबर 7 अलीगंज का हनुमान मंदिर लखनऊ के किसी समय ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। नंबर 8 यत्रक्तारक हनुमान मंदिर हम्पी कर्नाटक। बेंगलुरु जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। उस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी को यत्रक्तारक हनुमान नाम कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी है। वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। संभवतः इसी स्थान पर किसी समय वानरों का विशाल साम्राज्य स्थापित था। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर